टोहाना में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्कर्स ने धान की बिजाई के लिए नई पुन्नी मल्टी सीडर मशीन तैयार की गई है। इस मशीन के द्वारा किसान अब गेहूं की तरह धान की बिजाई भी सीधी ही कर सकेंगे। इससे जहां लेबर की समस्या खत्म होगी, वही समय व पैसे की भी बचत होगी। पुन्नी प्रमुख दीप सिंह पुन्नी ने बताया कि इन दिनों किसानों को आ रही समस्याओं को देखते हुए इस मशीन को बनाया गया है। साथियों को नमस्कार और सभी किसान भाइयों को, मित्रों को, देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 38 साल से पुन्नी किसानों की सेवा में नए नए इम्प्लीमेंट ला करके उनकी सेवा कर रहा है। पिछले 8-10 साल से हम DSR डायरेक्ट सोइंग राइस मशीन हम बना रहे हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग किसान को 80 से 90 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है ये मशीन। तो जैसा कि इस बार ये COVID-19 या कोरोना गए, हम इसकी महामारी के चलते थोड़ा सा इस बार प्रवासी मजदूर जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, तो लेबर की समस्या आने वाली है किसानों को, उसको देखते हुए हमने डायरेक्ट सोइंग राइस जो हमारी मशीन है DSR, उसका एक नया विकल्प हमने तैयार किया है जो कम कीमत में किसानों की हेल्प कर सकेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो किसान पहले से गेहूँ बोने की मशीनें प्रयोग में ला रहे हैं गेहूँ बोने के लिए, उसी के ऊपर हमने एक अटैचमेंट, एक अलग से एक छोटा सा कलपुर्जा लगा करके हम उसी गेहूँ बोने वाली मशीन से धान को सीधा बुआई कर सकते हैं। जो लगभग 90 हज़ार रुपये की मशीन से किसान काम करता है DSR से, उसका काम वो लगभग अब 31 हज़ार रुपये की अटैचमेंट लगा करके वो अपना काम कर सकता है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस वार्ता है, उसका उद्देश्य यही है कि हम किसानों तक ये हमारा मैसेज अच्छे से पहुंचा सके, ताकि जो आगे का 2 महीने है किसानों को धान लगाने के लिए रोपाई करने में जो समस्या आने वाली है, कहीं ना कहीं उनको योगदान दे सके, उनकी हेल्प कर सके, वो कम खर्च पर धान की बुआई कर सके। ये यंत्र जो आपने अभी उसका बारे में जानकारी दी है, ये कारगर सिद्ध कैसे रहेगा किसान के लिए? ऐसे अभी तक जो धान की रोपाई होती है, हमारे अगर हम हरियाणा की बात करें तो 96% से ज़्यादा धान की रोपाई होती है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा, 4 या 5% का हिस्सा है जो सीधी बुआई कर देते हैं। तो इस बार लेबर की कमी को देखते हुए जो ये सीधी बिजाई वाला जो प्रक्रिया है, किसान इसको ज़्यादा उपयोग में लाएंगे। रोपाई करने के लिए लगभग उसको खर्च भी ज़्यादा पड़ता है, और इस बार लेबर ना होना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो धान की रोपाई ना कर पाए, इसलिए वो उनको एक सहयोग के लिए हमने। किस तरह से ये सहयोगी रहेगी किसान के लिए, किस तरह से सहयोगी रहेगी भी रोपाई के समय जैसे धान की बिजाई होगी? हाँ, ये रोपाई की जगह पर ये मशीन सीधी धान की बिजाई कर देती है। जैसा कि अभी हरियाणा सरकार ने 8 जून का शायद समय दिया है, 8 जून से वो धान की सीधी बिजाई कर सकता है, इसमें रोपाई नहीं करनी पड़ती। जैसे वो प्रक्रिया रोपाई की है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पहले धान की एक पोत तैयार की जाती है, फिर उसको खेत में से निकाल कर उसके एक एक तिनके को खेत के अंदर रोपना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सीधी कहने का भाव ये रहता है कि जैसे कि गेहूं की बिजाई की जाती है, उसी तरह से ये बिजाई करें? हाँ बिल्कुल, हम ये कहेंगे जैसा गेहूं की बिजाई की जाती है, उसी तरह से इसकी सीधी बिजाई कर सकते हैं हम धान की। इसका डेमो सर कब लगा रहे हैं, लगा सकते हैं? जैसे सरकार के निर्देश हैं कि 8 जून के बाद हम बिजाई कर सकते हैं धान की, तो 8 जून के बाद हम इसके डेमोस्ट्रेशन भी हम शुरू करेंगे किसानों के पास में। तो इससे क्या लाभ रहेगा, जो उसमें पैदावार में कितना बढ़ोतरी रहेगी, या कोई ऐसा तो नहीं है कि रोपाई की जगह अगर सीधी बिजाई की जाए किसान को कोई नुकसान तो नहीं होगा पैदावार में? अभी तक जैसा कि हरियाणा के मुकाबले में अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब में सीधी बिजाई की प्रक्रिया को किसान ज़्यादा अपनाते हैं। जैसा अभी तक वहाँ से हमें फीडबैक मिले हैं किसानों के, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है धान का, लेकिन किसान जब कंपेयर करता है कि उसकी जो लेबर कॉस्ट रुपाई में लगनी है, और उससे कंपेयर करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है उस प्रक्रिया में से। बीते दिनों एक हमारे किसान साथी हैं, एक जागरूक किसान कहेंगे पंजाब के, वो एक यूट्यूब चैनल बना के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं किसानों को। मैं आपको उसके भी लिंक्स और डिटेल्स आपसे के साथ शेयर कर लूँगा, किसान भाइयों को भी मिल जाएंगी, ताकि वो उस जानकारी को साझा कर सकें और उन्हें नॉलेज मिल सके। इसमें फंगस की दिक्कत नहीं आती, कुछ वीडीसाइड या घास कहें हम, खरपतवार थोड़ा अधिक होता है, उसके लिए उससे कुछ केमिकल्स या ज़मीन को तैयार करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है, तो उसके अलावा किसान को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है। क्या लगता है कि किसान, देखिए हम छोटे छोटे सेमिनार करके गाँव में जा करके किसानों के पास सीधे सेमिनार कर सकते हैं। अभी हमें बहुत सारे किसानों को हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी जो भी चल रही है COVID-19, इसके रोकथाम और उससे बचाव के लिए भी हम एक जगह नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे सेमिनार्स करेंगे गांव में और डेमोस्ट्रेशन करेंगे 8 जून के बाद में। जैसे कि हाँ बिल्कुल सर, उसका हमने आज से ही हम उसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, ऑनलाइन जोड़कर सोशल मीडिया के जरिए से किसानों को जागरूक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पुन्नी की DSR मशीन के बारे में। DSR मशीन क्या है, जो धान की
जीरी या फिर पंजाबी में हम बोलते हैं चोना, उसकी बिजाई के लिए काम आएगी, जो किसी भी जीरो ड्रिल के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुन्नी की 11, 13 और 15 जीरो ड्रिल के लिए, टाइन जीरो ड्रिल के लिए उपलब्ध है। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि ये कैसे और क्या काम करती है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको इसका दिखा देते हैं क्या झलक है, कैसा ये दिखाई देता है। जो DSR है वो हम पुन्नी की 11 टाइन के ऊपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये 9 टाइन के लिए उपलब्ध होगी, और 13 के लिए अगर हम बात करें तो 11 के लिए उपलब्ध होगी, और 13 के लिए, यानी कि 2 टाइन कम हो जाते हैं उसमें। ये एक एकड़ के अंदर लगभग 6 से 7 किलो धान की बिजाई करेगी। और अगर इसकी हम बात करें कि इसकी कीमत, मैं आपको बता देता हूँ कि किसानों के लिए बहुत ही कम कीमत के अंदर ये उपलब्ध है। इसकी अगर 11 टाइन के लिए मैं बात करता हूँ तो ये जो 11 टाइन जीरो ड्रिल के लिए उपलब्ध होगी 9 टाइन में 31,000 रुपये, और 13 टाइन के लिए 11 की है जो 35 के लिए, यानी कि मार्केट के अंदर किसी अन्य कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर मिलेंगी। लेकिन पुन्नी ने किसान की तरफ देखते हुए बहुत ही कम लागत के ऊपर ये मशीन तैयार की है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि जीरो ड्रिल के साथ, यानी कि गेहूं बिजाई के साथ और DSR कंप्लीट हम इसका कॉम्बो लेते हैं तो ये आपको लगभग 11 टाइम 95,000 रुपये में मिल जाती है, और 13 की बात करता हूँ तो 1,04,000 रुपये में। कहने का भाव ये है कि जो आम किसी कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 90,000 रुपये में लगभग आपको सिर्फ DSR मिलेगी, वहाँ पे पुन्नी की जीरो ड्रिल के साथ यानी कि गेहूं और धान बिजाई के साथ आपको 95,000 रुपये में मिल जाती है। यानी कि बात करें तो ये आपको कॉम्बो पैक है, बहुत ही सस्ता उपलब्ध हो जाता है, किसान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो इसकी मैं आपको पूरी झलक आपको दिखा रहे हैं कि क्या है जीरो ड्रिल और DSR, और अकेला DSR अगर आपको लेना हो किसी भी पुन्नी की जीरो ड्रिल के ऊपर आपने लगाना है तो वो भी उपलब्ध है। इसको लगाने का बहुत ही आसान सा फंडा है कि आप कंपनी से लगवाना चाहें, कंपनी की कोई भी जीरो ड्रिल ले आइए, आपको 31,000 रुपये का जो DSR है और लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो लग जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपको लगभग 35,000 रुपये में आपको तैयार मिल जाएगी, लगवा के दे देंगे कंपनी की तरफ से। अगर आप इसको खुद लगाना चाहें तो आप ये DSR पुन्नी टोहाना से इसको ले सकते हैं, और ख़ुद भी आप इसको लगा सकते हैं, कहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम नट या बोल्ट का इस्तेमाल होता है लगाने के लिए। वो आपको इसके अंदर पूरी जानकारी भी, आपको अगर आप कंपनी आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं, और आपको ये पीछे जो DSR लगा हुआ है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा चुके हैं। और अगर हम बात करें कि इसको बिजाई DSR से धान की कैसे करनी है या किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा कि आप ये इसकी बिजाई कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे करनी है, क्या कुछ इसके अंदर हमने हिदायतें बरतनी है, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उसके अंदर मिल जाएंगे। रही बात आप ये DSR है वो आप इसको देख लीजिए कैसा है, हम आपको एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं कि आप इसको घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं आप पुन्नी की कोई भी जीरो ड्रिल के ऊपर। कंपनी से लगवाना चाहें तो आप कंपनी से लगवा सकते हैं, मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये इसका लेबर कॉस्ट है और 31,000 रुपये इसकी कीमत है। तो आप इसकी एक बार पूरी झलक हम आपको जो इंस्टॉलेशन है, बोल्ट हैं, आपको दिखा दिए हैं। तो आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे किसान मित्र हैं, कि पुन्नी टोहाना विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स जो भूना रे टोहाना में स्थित है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही कम लागत के ऊपर आपको ये मशीन मिल जाएगी। यानी कि गेहूं के मशीन के ऊपर ही धान की बिजाई का DSR लगा सकते हैं। तो आपने ये पूरी वीडियो आप देख चुके हैं कि इसके अंदर क्या, मशीन के अंदर क्या कुछ है, क्या नहीं है, और कैसे DSR फिट करना है। अभी हमने आपको इस मशीन के बारे में कि आप इसको जीरो ड्रिल के ऊपर ही कैसे लगा सकते हैं, या फिर आप अलग से आप लेना चाहें या जीरो ड्रिल के साथ इसको लेना चाहें, वो हम आपको जानकारी दे चुके हैं। और बिजाई कैसे करनी है धान की, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, क्या उसके अंदर हमें एहतियात बरतने हैं, कैसे हमने इसको बिजाई करनी है और क्या चीज़ हमें इसके ऊपर सावधानी होगी, पूरी जानकारी आपको नीचे लिंक मिलेगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।